हो गया, आ गए ना सब। चलिए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द अंजलि अरोरा टॉक शो। स्वागत है आपका द अंजलि अरोरा टॉक शो के संडे एपिसोड में। जी हाँ, संडे, जबकि आप जानते हैं संडे होते हैं हमारे साथ कोई ना कोई सेलेक्ट जो हमारे साथ करते हैं अपनी पैशन जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर। आज की जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर सुशील पराशर जी। जी हाँ, मिस्टर सुशील पराशर जी जो एक वेटरन एक्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी फिल्में, काफ़ी सीरियल किए हैं, और कहते हैं ना कि तजुर्बा बहुत बहुत ही मायने रखता है। मतलब जो एक तजुर्बेकार कलाकार होता है उन्हें पता होता है कि किस तरह से उनकी लाइफ स्ट्रगल रही है, किस तरह से उन्होंने होता ना अपने पैशन जर्नी को जिया है, जो चाहा वो हासिल किया, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं उनकी स्टोरी और करेंगे उनका स्वागत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मिस्टर सुशील पराशर जी। तो चलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर सुशील पराशर जी का। वेलकम टू आवर शो सुशील पराशर जी, आपका हमारे शो पर बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। होता ना, हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपके जैसे एक्सपीरियंस एक्टर हमारे यहाँ आज हमारे साथ अपनी पैशन जर्नी शेयर करने आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा कोई स्पेशल जर्नी नहीं है मेरी। नहीं सर, वो बोलते ना तजुर्बा बहुत मायने रखता है, तो वैसे ही हम आपसे जरूर बताना चाहूंगी मैं आपको कि हमारे शो की जो टैग लाइन है वो है स्पीक योर पैशन। तो आप जुनून को, पैशन को कैसे आप डिफाइन करना चाहेंगे सर, आपके शब्दों में? देखिए, जब आपकी जो हॉबी है वो प्रोफेशन में बदलनी शुरू हो जाए तो उसका रीजन होता है पैशन, और उसमें जिद इन्वॉल्व होती है, उसमें बड़ी ऑपोजिशन भी आती है बड़े कॉर्नर से, और जब आप सबको क्रॉस करते जाएं इसका मतलब आपने अपने पैशन का बड़ा ख्याल रखा। दैट इज पैशन। सो इफ यू आर पैशनेट, अगर आप पैशनेट हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्या बात कही सर आपने कि हाँ, जो प्रोफेशन होने लगे उसके बाद हमारा जो जुनून होता है ना कि बढ़ता जाना, वो बहुत जरूरी है। हाँ, क्या हम हॉबी से शुरू करते हैं ना, जब आपकी हॉबी प्रोफेशन की शेप लेनी शुरू कर दे और आपको लगे यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैं इसी के लिए शायद बना हूं, और आप आगे बढ़ते जाते, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर पैशन। क्या बात है सर। सर मैं जरूर फिर आपसे, तो आपका पैशन तो जरूर एक्टिंग रहा होगा, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये पैशन की शुरुआत कहाँ से हुई थोड़ी सी। ये शुरुआत हुई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर ऑफ आर्ट्स था, तो वहाँ पर अमाल अलाना इब्राहिम अलकाजी की बेटी विजिटिंग प्रोफेसर थी, तो वो एक नाटक कर रही थी थ्री पेनी ओपेरा, तो उन्होंने कहा कि जो भी गाने बजाने वाले स्टेज पे लोग हैं वो सबको बुलाया जाए, क्योंकि सबको सबकी इंटरव्यू ली जाए, तो मैं भी पहुंच गया। तो उसने मुझे कहा आपको, आपने कभी नाटक किया? मैंने कहा जी स्कूल में किया था। तो कहती फिर आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 17-18 साल का हूँ। तो कहती कुछ तो बताओ। मैंने कहा जी गाना सुना देता हूँ। फिर उनको मैंने गाना सुनाया, किसने चिलमन से मारा नजारा मुझे, तो वो हंसना शुरू कर दिया उसने। उसने कहा बड़ा ढीठ किस्म का आदमी है, इसने नखरा भी नहीं किया, फट करके सुना दिया, तो मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके हीरो थे अनुपम खेर, थ्री पेनी ओपेरा। तो मेरा इंस्पेक्टर स्मिथ का रोल था,
उससे पहले एक्सेप्शन एंड गूल मैं अनुपम खेर को इंडियन थिएटर ऑफ आर्ट्स में मैं देख चुका था उनकी परफॉर्मेंस और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो फिर मैंने वो नाटक किया, मैं पढ़ाई भी साथ में कर रहा था, मतलब कल फाइनल एग्जाम है, आज थ्री पैनी ऑपेरा का शो है, ऐसे चल रहा था। और खेर साहब के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी, तो एक दो बार हमारे घर भी आए थे वो चंडीगढ़ में, तो बहुत टैलेंटेड, मैं उनको देख के बड़ा इम्प्रेस हो गया। तो खेर साहब को फिर ऐसे मेरी शुरुआत हुई, फिर बाद में उसी इंडियन थिएटर ऑफ आर्ट्स में मेरा सिलेक्शन हुआ एमएससी ऑनर्स करने के बाद, तो मेरे फादर ने नहीं मुझे जाने दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने नहीं जाने दिया। तो फिर मेरा बैच था जिसमें ये लोग थे, संजीव भट्टाचार्य, प्रमोद माउथो, ये सब लोग मेरे साथ में थे, तो मुझे नहीं ज्वाइन करने दिया। यहां से मेरी शुरुआत हुई। तो सर, मतलब फिर जब पापा ने ना बोल दिया तो आपको आपने कैसे कन्विंस किया उन्हें कि नहीं मुझे जाना है? मेरे पापा को कोई नहीं कन्विंस कर सकता। वो थोड़े मतलब कि वो ये थे कि एमएससी ऑनर्स करने के बाद तू ये करेगा यार। सही बात। और मैं एमएससी ऑनर्स में भी मतलब अच्छे मार्क्स में पास हुआ, बीएससी ऑनर्स में भी, तो एकेडमिक करियर अच्छा था मेरा, और मैं अपने सब्जेक्ट में भी ठीक ठाक था। अच्छा। मैंने जियोलॉजी में किया था, तो उन्होंने बड़े लोगों से कहा यार इसका किसी भी तरीके से ये ड्रामा छुड़वाओ। तो मुझे ना फिर थिएटर की लत सी लग गई थी। फिर उसी इंडियन थिएटर में मैंने कुमारा वर्मा के साथ आषाढ़ का एक दिन किया, फिर रानी बलबीर कौर के साथ काम किया, हीर रांझा में किया, केसरों में किया बलवंत गार्गी जी के साथ, तो स्ट्रीट थिएटर किया, गुरचरण सिंह चन्निया एनएसडी के हैं, उनके साथ हमने पहली बार स्ट्रीट थिएटर चंडीगढ़ में शुरू किया। फिर मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ गया, दिल्ली में स्ट्रीट थिएटर किया, दिल्ली में फैजल अलकाजी, उनका लड़का इब्राहिम अलकाजी का, उनके साथ शुरू किए, अपना नाटक किए। फिर दिल्ली में जेएनयू में था, मैं रिसर्च कर रहा था वहां, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट था। तो फिर वहां पर मैंने गलती से कंपटीशन दे दिया ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने ज्वाइन कर ली ओएनजीसी, फिर मैं बड़ौदा पहुंच गया, बड़ौदा 2 साल रहा, तो फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं बॉम्बे आ गया। फिर बॉम्बे में फिर 2-3 साल बाद मेरा ट्रांसफर हुआ असम, और मैंने नौकरी छोड़ दी और बॉम्बे का सफर शुरू हुआ। सर, अभी जैसे बॉम्बे आना तो चलो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को एक स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है अपना अपनी जगह बनाने के लिए, तो वो कैसा रहा सर आपका? उसमें ऐसा था कि मेरी नेचर में था, मतलब कि मैं ऐसे नहीं कि 3 लोग स्ट्रगल करने जा रहे हैं, 4 लोग स्ट्रगल करने जा रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा इस प्रॉब्लम का की को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जैसे मैं जॉब करता था ऐसे ही मैं स्ट्रगल करूंगा। हालांकि ओएनजीसी छोड़ने के बाद मैं बिल्कुल खाली था, कोई पैसे वैसे नहीं थे मेरे पास, तो क्योंकि जैसे लोग ले लेते हैं ना रिटायरमेंट ले लेते हैं, मेरा ऐसा था ही नहीं। तो फिर मैं अपना जाता था, एक एक के ऑफिस में जाता था, कोई अच्छे से बोलता था, कोई अच्छे से नहीं बोलता था। तो मैं थोड़ा मस्त टाइप था, मस्त किस्म का था, मैं परवाह नहीं करता। तो बस फिर एक दिन मैं राजा बुंदेला का एक शो था, ई चैनल एल चैनल पे आता था जी की, तो उसमें मैं एक करेक्टर कर रहा था, तो उसमें रमन कुमार जी ने मुझे देख लिया। फिर रमन कुमार जी के साथ मेरा सिलसिला शुरू हो गया सीरियल्स का,
फिर मैंने खूब सीरियल किए, फिर मैं दिन में तीन तीन शूटिंग करता था, एड्स भी करता था, फिल्म्स भी करता था। तो मेन जो चीज रही, मैंने कभी किसी से ना तो सिफारिश लगवाई, मैं अपने लेवल पे आया जो आया। हाँ, लेकिन लोग जो थे वो छोटे छोटे गॉडफादर बन के आते रहे। हाँ, लेकिन करना तो खुद ही पड़ता है। बाद में रमन जी के साथ बड़ा काम किया, धीरज कुमार जी के साथ बड़ा काम किया, बहुत सीरियल्स की मैंने। तो ऐसा था मेरे। सर, ये जो एक स्टेटमेंट सब लोग कहते हैं कि एक्टर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड, तो ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से कितनी सही है? ये काफी सही है। देखिए, आपके अंदर जो चीज एक पैदा हुई है, सपोज एक्टिंग पैदा हुई जी तो वो डेवलप तब होती है जब आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि मैं बिल्कुल अपने आप को वैसे कंपेयर नहीं कर रहा, जैसे रफी साहब थे, इतने बड़े सिंगर है जी ना, तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आपका ये कैसे हुआ शुरू, तो कहते कि उनकी गली में एक फकीर आता था, वो बड़ा अच्छा गाना गाता था, मैं उसके पीछे पीछे जाता था, वो फिर जहां बैठ जाता था मैं भी वहां बैठ जाता था। तो ऐसे ही जब हमने थिएटर शुरू किया, मैंने कहा यार ये तो चीज ही बड़ी अच्छी है अपने आप को वो करने के लिए। अब वो जो हिडन एनर्जीज है ना, तब बाहर आनी शुरू होती राइट है। वो जो पैशन है, कोई ना कोई अगर इंसिडेंट नहीं हुआ ना तो नहीं आएंगी। कि मैं ऐसे बैठा हूं तो मैंने गुनगुनाया, ये मैंने किया, कोई दूसरा उधर म्यूजिक वाला कहेगा यार बड़ा अच्छा गाते हो हैं, तो मुझे लगा यार मैं अच्छा गाता हूँ, तो मैंने सिंगिंग पे काम करना शुरू कर दिया। अब मैं काम करता ही गया, मुझे बड़ी ऑपोजिशन मिली, मैं काम करता ही गया, एंड मैं अपनी मंजिल जरूर अचीव करूं। ये मैकेनिज्म है, ये तरीका है, मतलब हाउ यू टर्न योर स्किल्स इनटू व्हाट यू वांट इन लाइफ, ये ऐसे होता। सही, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है सर आपने। हाँ? बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दी है कि हमारे अंदर जो होता है ना, इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। हाँ, कोई घटना होनी चाहिए, घटित होनी चाहिए तो पता लग जाता है, कोई अच्छा गाइड मिलना चाहिए। अब जब आप स्ट्रगल करते हो तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई डीमोरलाइज करता है, कोई कुछ करता है, तो मैं उनकी बात सुन लेता था, लेकिन क्योंकि मुझे पर्सनल डायरी लिखने की बड़ी आदत थी शुरू से, कि मैं किधर किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं, तो मैं डायरेक्शन अपनी ही फॉलो करता था, मैं डायरेक्शन अपनी ही फॉलो करता था उस मामले में, मैं किसी की सुनता नहीं था। एक तो ये हो गया, और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जब आप घर में आते हो ना, आपको सपोर्ट मिलती है आपके बच्चों से, आपकी वाइफ से, और ये चीजें आपको बहुत एनकरेज करती हैं, आगे पुश करती हैं आप, तो वो भी मुझे मिला। मतलब मुझे, आई मस्ट से, आई गॉट अ वेरी नाइस वाइफ एंड ऑफ कोर्स वेरी गुड चिल्ड्रन, तो ये सब था। वो एक फैमिली का। जी, बोलो। लेकिन मैं ना ओवर एम्बिशियस नहीं रहा कभी, अच्छा, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो जैसी आराम, मेरा वो था। मैं ऐसे वो नहीं, मैंने कभी अपने आप को किसी कंपैरिजन में नहीं डाला, आज भी नहीं डालता। कोई कुछ कहता भी है, यार तेरी अप्रोच कैसी है, ये है, मैं कह यार तेरी अप्रोच तेरे पास, मेरी अप्रोच मेरे पास, भगवान ने मुझे अपना दिमाग दिया, मैं अपनी अप्रोच से चलूंगा ना यार।
आज तक चला हूं तो आगे भी चलूंगा। सही बात है। लेकिन मतलब ये जो आपने कहा कि आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे, तो इससे एक ही चीज पॉजिटिव बहुत होती है कि हम डिप्रेशन में नहीं आते। जैसे हम ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं वैसा नहीं हो, तो बहुत सारे जैसे आपने देखा है आज की जो यंग जनरेशन है बहुत जल्दी वो लोग ओवर एक्सपेक्टेशन रख के वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में इसलिए भी आते हैं क्योंकि एक तो कॉरपोरेट कल्चर ने काम खराब किया हुआ है, और दूसरा बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सही बात है। तो एक्चुअली जैसे बड़ों ने भी कहा है और सच भी है कि यार तुम अपनी बैटिंग करो, ये मत देखो कितने स्कोर मारे, बैटिंग अच्छे से करो। डू योर बैटिंग नाइसली, है ना, डू डोंट काउंट द स्कोर्स। तो आजकल की जो जनरेशन है दे आर वेरी स्मार्ट, जिम में जाके और बड़े अच्छे अच्छे कपड़े और महंगे मोबाइल और कार वार और लोन्स वगैरह सब कुछ, और अंग्रेजी कल्चर और चैनल कल्चर ये सारा कुछ ये आ गया है। तो इन सब के बावजूद भी मुझे तो MTNL वाला टेलीफोन ही अच्छा लगता है मुझे ये। आप समझ गई मेरी बात? हाँ एक्चुअली मैं ये सही बात है, डिस्टरबेंस मतलब लाइफ में सबका इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो गया है जो एक स्मार्टफोन रखने से कि कभी भी मैसेज का रिप्लाई ना करो तो लोग बुरा मान जाते हैं। मतलब जितनी टेक्नोलॉजी बड़ी हुई है सोच छोटी हो गई है। मतलब कि इसी से लोगों की आपस में दुश्मनी हो जाती है, उसने मुझे कमेंट नहीं किया, उसने मुझे लाइक नहीं किया, उसने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं किया। पहले हम लोग जब थे तो हम तो जाके घर में जाके पूछते थे भैया अभी तेरा टेम्परेचर नीचे आया कि नहीं आया, अभी तबीयत कैसी है। तो अभी वो कल्चर तो है नहीं, तो मैं कभी कभी दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया नमस्ते ये नहीं चाहिए, हम ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बड़ा फर्क है, मतलब कि कोई कहेगा नहीं समय के साथ चलना चाहिए, बच्चन साहब को देखो। मैं कहा बच्चन साहब को देखो भैया, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, है कि नहीं? इट्स लाइक दैट। तो ये जैसे कि आपने कहा कि बहुत चेंज आ गया है, तो वैसे ही जैसे पहले की स्ट्रगल हुआ करती थी रोल मांगना एंड ऑल, और अभी के जो ऑडिशन है इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आज के समय में काम मिलना आसान है कि पहले आसान था? देखिए अंजलि जी, पहले जब हम काम करते थे अगर हमने काम अच्छा किया, ये मैंने पहली अपनी पिछली इंटरव्यू में भी यही सेंटेंस बोला था, अच्छा। तो हमें परखने वाले होते थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, वो आपस में बात करते थे यार ये लड़का या लड़की तो बहुत अच्छा है तो इसको हम अगले प्रोजेक्ट में भी लेते हैं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस से और काम ले लेते थे। आजकल क्या है, कास्टिंग वाले बहुत ज्यादा आ गए हैं, कोऑर्डिनेटर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, चैनल की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, कट्स एंड कमीशंस बहुत ज्यादा हैं, पेमेंट्स बड़ी लेट हैं, तो जो मजा है ना वो मजा अब रहा ही नहीं। मैंने पिछली इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आजकल हम कहते हैं मेरी तो 20 दिन शूटिंग होगी, मेरी तो 25 दिन शूटिंग होगी, अरे यार मेरी तो 6 दिन ही हुई है, इस तरह की बातें हो गई। पहले ऐसे पहले हम करते थे यार मजा नहीं आया गुरु, ये करेक्टराइजेशन निकली नहीं, एक बार और सर एक टेक और, हम ऐसी बात नहीं करते। हाँ मतलब जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी हम करते थे काम करते थे। उस वक्त इतने एसी ये वो सब नहीं थे और हम अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करते हैं, पुराने एल्डर्स मिल जाते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है थोड़ी तौबा तौबा नहीं। सही बात है सर, मतलब ऐसा हो गया है कि जितना मतलब रिस्पेक्ट भी आजकल अपने आप को रिस्पेक्ट लेने के लिए भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, ऐसा हाल हो गया। हाँ मतलब कि ऐसा होता है कि मैं तो कभी जो रिस्पेक्ट है वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता इनसे, कभी भी नहीं। मेरा सिर्फ यही होता है चुपचाप जाओ शूटिंग करो ओके बाय बस खत्म।
ज्यादा अंदर घुसने का नहीं। तो ये जो हाँ तो होता है ना कि आपने थिएटर से स्टार्ट किया, थिएटर से फिल्में, सीरियल, और अब जो वेब सीरीज का माहौल बन गया है जो हम बहुत बार फैमिली के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते, तो आपका वेब सीरीज के बारे में क्या ख्याल है सर? मुझे आए वेब सीरीज के, मुझे ऐसे आए कई ऑफर्स आए जिसमें इस तरह की चीजें थी, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं मेरे से नहीं होगा, मैं कहा और भी बड़े कैरेक्टर्स हैं वो दो, तो मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं करता। जहां तक मुझे लगा यहां तक कर सकते हैं ठीक है, उसके आगे ज्यादा नहीं। मतलब कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इस एज में एक 25-26 साल की लड़की को मैं स्मूचिंग के सीन है और किसिंग के सीन, आई कांट डू दैट, आई कांट डू ठीक दैट। सो जो जो कर कर सकते हैं वो करो, मैं नहीं कर सकता। सही कहा सर। और मतलब ये हो गया है ना कि कल्चर कहीं ना कहीं जो एक मजा था ना सीरियल देखने में और दूरदर्शन के टाइम का भी देखा जाए तो फिर वो वेब सीरीज में खत्म हो गया कहीं ना। बच्चों के साथ बैठ के हम आप उनको सिखा नहीं सकते कि ये स्टोरी है, कुछ ना कुछ हर सीरियल से भी हम सीखते थे सर, अभी वैसा नहीं है। यस, अभी नहीं है, अभी बस, तो इसीलिए तो सीरियल्स बंद हो रहे हैं 3-3 महीने, जी तीन एक्चुअली महीने 4 महीने टीआरपी नहीं है, इसीलिए तो बंद हो रहे हैं। और वेब सीरीज का एक बार वो शुरू हुआ नंगापन दिखाना, तो जिसको देखो वही किए जा रहा है। वही हाँ और ठीक है यार, क्या किया जाए, कुछ मतलब हम तो चुप रहते हैं बस, ठीक है देखते हैं, और क्या, जो है चल रहा है और क्या करें। सर। ये जो 2020 का साल था लॉकडाउन पीरियड, वो कैसे गया सर आपका? मेरा मुझे अपने को लेके तो ज्यादा अफसोस नहीं होता था, लेकिन जो हमारी आर्टिस्ट बिरादरी है उसको लेके अफसोस होता था, क्योंकि उन बेचारों ने बहुत सहा, आत्महत्याएं बड़ी हुई, बड़ी उन्होंने वो किल्लत देखी, गरीबी देखी, कमाई का सोर्स नहीं है, तो उनके लिए मैं ज्यादा फील करता था। और ये भी बार बार सोचता था कि लाइफ जितनी सिंपल रखोगे तो इस तरह की जो मुसीबत आती है उसको भी तुम झेल जाओगे, लेकिन सही अगर लाइफ को आपने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, और सी माई कार, फिर बैंक वाले आ जाएंगे लेने, क्योंकि आप लोन नहीं दे पाओगे, लोन चुका नहीं पाओगे, तो ये है, जस्ट बी व्हाट यू आर। राइट। हाँ सर ये जो कोरोना है उससे जैसे कि आपने कहा आर्टिस्ट को तो धक्का लगा है, फिल्मों को भी धक्का लग गया, लाइक रिलीज नहीं हो रही है, हम फिल्में देख नहीं पा रहे हैं बड़े पर्दे में, तो आपको लगता है कि अभी 2021 में ये सब ओपन होने के चांसेस? अंजलि जी, मैं कुछ कह नहीं सकता, डॉक्टर्स तक नहीं कुछ कह पा रहे, साइंटिस्ट तक नहीं कुछ कह पा रहे, तो मेरी क्या औकात, मुझे खुद नहीं पता चल रहा कोरोना है भी या नहीं है, क्या चक्कर है ये। हाँ अब ना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट देना, नहीं अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ एक विशफुल थिंकिंग, होपफुल होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, भी भगवान सुन ले सबकी बात, तो लेकिन अभी डर बैठ गया, हाँ सही अभी डर बैठ गया। हाँ क्योंकि मेरा तो 3 फरवरी तक मेरे घर वालों ने मुझे, मैं हर प्रोजेक्ट को मना कर रहा था, जाने नहीं दे रहे थे। फिर एक बार एक एड आया तो उसके लिए, एड के लिए हाँ मनवा लिया मैंने, उसके बाद फिर वैसे ही हो गए, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, तो मैं तो कहीं जाता ही नहीं, मना कर देता हूँ काम। तो वैसे भी शूटिंग का माहौल जो जिस तरह से हो रहा है, जहां होता है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में बोला जाता था लोग जब मिलते थे तो एकदम क्लोजली हाथ मिलाते हैं एंड ऑल, अभी तो सब लोग दूर दूर रह रहे हैं। हाँ डर, क्योंकि अभी यंगस्टर्स को बहुत हो रहा है, अभी तो राइट ज्यादा जो हो रहा है वो 25 और 35 साल वाले लोगों को हो रहा है, जी। ये सारी चीजें हैं।
सर आपने कहा था कि आपने जब फर्स्ट टाइम थिएटर में इम्प्रेस किया था तो गाना गा के किया था, तो आप दो लाइनें हमारे शो पर भी गाना गाना चाहेंगे? वो तो मैंने एक बात कर दी थी, आपने तो गाने की फरमाइश रख दी। मैं आपको पंजाबी सुना, आया ना, वो भी बहुत अच्छा लगा था। मैं आपको पंजाबी एक थोड़ा सा सुनाता हूँ। पंजाबी चलेगा या हिंदी सुनना चाहेंगे? सर पंजाबी चलेगा, सर पंजाबी चलेगा। हाँ पंजाबी सुना देता हूँ थोड़ी सी लाइनें। ना मैं सुनी ना गुण पल्ले, हो ना मैं सुनी ना गुण पल्ले, जे मैं वेखा अपने अमला वाले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा उसकी रहमत फिर बल्ले 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 बल्ले। असली इबादत उस खुदा दी, कम बंदे दे की मुनियात वे बंदिया तेरी, की मुनियात वे बंदिया तेरी, होर इक नू तुर जाना, ओ अल्लाहू अल्लाह भई अल्लाहू अल्लाह, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ए जीवन तेरा खाक दी तेरी, ओ खाक दी तेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ए जीवन तेरा खाक दी तेरी, इस मिट्टी दे ढेर च लुकिया, इस मिट्टी दे ढेर च लुकिया, भुल गया यार पुराना, ओ अल्लाहू अल्लाह ओ अल्लाहू अल्लाह। बस जी क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाया सर। अच्छा हुआ मैंने ये फरमाइश की। हाँ मैंने भी अंतरा सुना दिया पूरा एक। बहुत बहुत अच्छा था सर। सर ये जैसे मैं आपसे जरूर ये पूछूंगी कि हर लेकिन हर एक्टर का एक पर्सनल फेवरेट होता है, आपका फेवरेट कौन है सर इंडस्ट्री में? एक्टर? जी जी एक्चुअली मुझे डिफरेंट डिफरेंट अदाओं में बड़े फेवरेट लगे। किसी की ये अदा अच्छी लगी, किसी की ये अदा अच्छी लगी, किसी की, तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो लोगों ने एक्टिंग चुराई है, जिससे सीखी है, वो थे दिलीप साहब। धर्म जी जैसे ज्यादा उनका नाम नहीं आता, बट आई फाउंड हिम अ वेरी वेरी नेचुरल एक्टर। बड़ा अच्छा उनमें कॉमिक सेंस, कॉमेडी। ऑफ कोर्स बच्चन साहब तो हैं ही है, वो सब जानते हैं। इस तरह के थे एक्टर्स, मुझे अच्छे लगते थे बड़े। और भी बड़े हैं लेकिन अभी अभी एकदम याद नहीं आते। एक्टर्स तो बड़े हैं, ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा पुराने एक्टर्स हैं। जैसे करेक्टर एक्टर्स हो गए, बलराज सहनी हो गए, कन्हैया लाल जी हो गए, है ना। जैसे हमारी एक्ट्रेसेस जो इतने अच्छे डांस करती थी, अपना वैजयंती माला जी, फिर उसके बाद मुझे सुरैया भी बड़ी अच्छी लगती थी, फिर आशा पारेख, वहीदा रहमान, ये ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि, या नजाकत कह लो शर्मिला टैगोर की, ये ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि इनका फिर मिलता नहीं है, हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। राइट, लेजेंड्स हैं वो लोग, लेजेंड्स हैं, बड़े बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बड़े डीप एक्टर्स। और उनका जो स्टाइल था ना, मतलब जैसे आज की अगर हम फिल्में देखें,
सबका स्टाइल कॉमन लगता है, सब लोग सेम लगते हैं, मगर उनका जो एक एक स्टाइल था, उनकी स्टाइल से वो पहचाने जाते थे कि हाँ ये आवाज इनकी है, ये स्टाइल इनका है, अलग ही बात थी। हाँ, बहुत बहुत मेहनत करते थे, पता लगता था कितनी मेहनत इन्होंने की हुई है, वेदर इट्स अ सीन और अ सॉन्ग, कुछ भी था। तो आजकल ये है कि वो फिजिकली बड़े फिट होके करते हैं, बड़े मुश्किल मुश्किल मूव्स भी करते हैं, लेकिन वो उस आत्मा को छूते नहीं ज्यादा, सही है ना? ऐसा सर, ये हम लोग का जो ये प्रोग्राम है, बहुत सारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो नए एक्टर्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो भी देखते हैं, तो आप जरूर, मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसा मैसेज दीजिए उनको, इंस्पिरेशनल। मैं उनको यही कहूंगा कि स्ट्रगल करो, खूब स्ट्रगल करो, खूब ऑडिशंस दो, एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में मत पड़ो, आपकी अपनी स्ट्रगल है, दिन में खूब ऑडिशंस दो। जिसने थिएटर नहीं भी कर रखा वो भी ऑडिशंस देगा। कईयों को ये होता है, सर मैंने तो थिएटर ही नहीं किया, तो फिर वो थिएटर करना शुरू कर देगा, उसमें 5 साल बॉम्बे में आने के बाद वेस्ट करेगा। तो वो ऑडिशन पे देखे भी, ये कैसे करता है यार, ये कैसे करता है, तो वहां से वो अपना एक्सपीरियंस ले, वो भी एक थिएटर ही है। सही तो अपनी सेहत का ध्यान रखे, थोड़ा परमात्मा को हमेशा याद रखे, और ये माँ सरस्वती का जो मंदिर है, इसमें पूजा क्या, इसमें तपस्या करनी पड़ती है, फिर जाके फूल खिलते हैं। तो ये मान के चलना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कि एक आप सावधान इंडिया में आए और आपने बोलना शुरू कर दिया, अरे यार थक गया यार, बड़ी फैन मिले मेरी, बड़ी फैन मिले, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं होता, करते रहो करते रहो करते रहो, अजीब अजीब लोग मिलते हैं, अजीब अजीब कभी कभी डायरेक्टर्स भी मिलते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी मिलते हैं, तो आपको दरकिनार करके किसी और को ले लेंगे जो आपसे अच्छा नहीं है, उसको भी सहो, सब कुछ सहना पड़ता है यहाँ। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ये भी कभी कभी मैं कहता हूँ, स्टेटमेंट देता हूँ, दैट इट्स इजियर टू क्वालिफाई एन IAS एग्जाम देन टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर। जी, एक्चुअली क्योंकि आप अपनी उम्र एक्टिंग के फील्ड में कहां तक लेके जाते हो वो सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं 3 साल आया, मैंने धूम मचा दी, फिर उसके बाद गायब। मैं 2 साल आया, मैंने ये कर दिया, फिर गायब। तो आप कितनी देर टिकते हो, तो आप हमेशा जरूर टिकोगे, लोग आपको जरूर देखेंगे, पहचानेंगे, आपको लेंगे भी। मेहनत रखो, अपना एटीट्यूड में मेहनत रखो, पेशेंस रखो। हमने भी बड़े झगड़े किए हैं, झगड़ा मत करो, चुपचाप किनारा पकड़ लो, कोई बात नहीं, तू नहीं तो तू, तू नहीं तो तू, ऐसे होता है। तो मेरी यही उनको एडवाइस है। एंड जबरदस्ती ऐसे कोई बी पोलाइट वो नहीं मैं कहता, सिंपल रहो यार, सिंपल रहो, जो हो सो वो रहो। तो क्योंकि वो चीज एक ना एक दिन लोग नोटिस करेंगे, वो कहेंगे नहीं यार हमने तो इसी को लेना, हमने तो इसी को लेना, राइट ऐसा होगा। यही मैं यही कहूंगा, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नई जनरेशन लड़के लड़कियां हैं, उनको मैं यही कहूंगा, अपनी डायरी लिखो, खुद लिखो डायरी, मैंने कैसे किया आज का दिन, मेरा कैसे गया, मैंने बच्चों की तरह बी अ चाइल्ड लाइक, बिल्कुल बच्चे बन जाओ, तो जाके बात बनती है। बात आप ऐसे ये दिखा के और वो दिखा के, इससे नहीं बात बनती। नहीं है आप अभी तक डायरी लिखते हैं? हाँ, मैं अच्छा, बिल्कुल लिखता हूं, मैं लिखता हूं। और मैं देखो, एक तो ये ना किताबी बात है, अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। मैं सच में नहीं मरने देता, मैं नहीं मरने देता, मैं तो बिल्कुल जो मुझे लग, क्योंकि क्या होता है, ये हमारे फादर ने बताया था, कहते आप डायरी लिखो, आप कुछ भी लिखो, आप गालियां भी लिखो,
किसी को गालियां देना चाहते हो, लेकिन लिखो उसको, दो मत, डायरी में लिखो। आपका वैसा आधा गुस्सा तो वैसे ही निकल जाएगा, फिर आपको पता लगेगा। नहीं तो आप अगर वो नहीं करोगे ना, तो आप ऐसे करके बैठ जाओगे और जाओगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, फिर पैसा खर्च करोगे तो भी कुछ नहीं हो, तो क्या फायदा। सही बात है। डायरी लिखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ता है। मैं तो कहता हूँ ट्राई करके देख ले। प्रेम चोपड़ा साहब डायरी लिखते हैं आज तक। अच्छा। प्रेम चोपड़ा जी, हाँ जी हाँ जी, बड़े लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग ये बताते नहीं, उनका एक अपना कुछ कॉम्प्लेक्स होगा। अरे यार, हम तो दिमाग में सोच लेते हैं, वो ऐसी बात करते हैं ना। भैया, हम तो ऐसे सोच नहीं सकते, हम भूल जाते हैं, इसलिए हम डायरी में लिख लेते हैं। और ऐसे होता होगा ना सर कि मन भी हल्का होता होगा। बहुत बार हम बहुत सारा बोझ लेके सोते हैं रात को, टेंशन हो गए या स्ट्रेस हो गए। अरे अंजलि जी, आप कल से लिखना शुरू करो, आप खुद देखेंगे कितना फर्क पड़ गया। आप लिखो और हर बार जब लिखते हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। शुक्राना जरूर होना चाहिए। चाहे चाहे आपको ऐसा लगे आप पखंडी बन रहे हो, आप पखंडी बन जाओ, लेकिन उसको थैंक्स जरूर। सर, मैं मेरा तो ये वादा है आपसे कि मैं अभी ये ट्राई करने वाली हूँ कल से ही, क्योंकि कल से करो। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आप मुझे याद करोगे, आप कल से करो, और आपके दिमाग में ना क्लैरिटी आ जाती है, हर चीज की क्लैरिटी, फाइनेंशियल क्लैरिटी, करियर क्लैरिटी, रिलेशनशिप क्लैरिटी। भगवान तो नहीं हो आप, लेकिन फिर भी आप एक एक परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हो। अगर आप कुछ नहीं करते ना, तो एक मिनट लगेगा आप डिप्रेशन में चले जाओ। फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर रात होगी 9 बजे, फिर दारू की बोतल खोलोगे, फिर ड्रिंक करोगे। करो ड्रिंक, लेकिन उसके सहारे नहीं। दिल किया, ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो मैं तो सारी चीजों को टच करता हूं, इनको भी। लिखने से क्या होता है, मेरे बच्चों को भी मैंने कहा हुआ है यही। अच्छा। तो जो मानता है वो ठीक है, मैं डंडा लेके नहीं कभी पीछे जाता बच्चों के, मानता है तो ठीक है। फायदा तो होता है भाई, बहुत होता है फायदा, बहुत होता है। ये मैं तो जरूर मान गई हूँ, मैं अभी कल से ये चीज करूंगी और जरूर आपको बताऊंगी विद इन 15 डेज की मुझे कैसा लग रहा है। आप जरूर करो, आप जरूर को, आप नरेंद्र को भी कहो करे, लिखो कुछ भी, किसी भी भाषा में, गलत अंग्रेजी लिखो, पंजाबी में लिखो, हिंदी में लिखो, जो मर्जी लैंग्वेज में लिखो, बट वन मस्ट राइट हिज डायरी ऑन अ डेली बेसिस। वेदर यू राइट 5 lines, वेदर यू राइट 10 lines, राइट देम एंड ऑलवेज इन योर राइटिंग से थैंक्स टू गॉड। हमने थोड़ी देखा भगवान को, लेकिन पंगा भी मत लो ना। आप पंगा भी नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स आएंगी, आप जरूर आएंगी इन सम फॉर्म, इफ यू बिलीव इन इट। अगर आप विश्वास करते हो, अगर नहीं करते हो तो ठीक है। थोड़ा ज्यादा बोल गया। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और इवन आई एम श्योर ऑडियंस को भी इतनी इंस्पिरेशन मिलने वाली है सुन के। मतलब बहुत कहते ना, आपने कहा था कि मेरी पैशन जर्नी ऐसी कुछ खास भी नहीं है, मगर आपने जो एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर किया, हम ही जानते हैं कितना हमें मोटिवेशन मिला है इस चीज से एक्चुअली में। थैंक यू, थैंक यू सर। मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा हमारे शो पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे घर में अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ और सच्ची बातें हो रही हैं, कोई बनावट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मेरी कोई इंटरव्यू ले रहा है। मतलब ऐसा लगा कि दो दो जानने वाले या फ्रेंड्स के बीच में आधे पौने घंटे के लिए सच्ची सच्ची बातें हुई है, दैट्स इट। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, आप विश्वास करें तो मैं कभी भी क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि आप लोगों के पास इतना ज्ञान है ना, आप ऑन स्क्रीन कैसे हैं क्या वो सबको पता है, लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो जानना बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ हम भी गलतियां करते हो, वो हम ठीक कर सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली में।
देखो मैं जो इतना कुछ मैं बोल गया, मैंने ये सब देखी हैं चीजें, मैंने उन आर्टिस्टों को भी देखा जो एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में मारे गए, मैंने उन लोगों को देखा जो शो ऑफ के चक्कर में मारे गए, मैंने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने ज्यादा ही बड़ा मुंह खोला। तो उन सबको देखने बाद मैंने कहा यार इसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल था, यू लीड अ सिंपल लाइफ, यू डू योर शूटिंग्स, अर्न मनी, दैट्स इट। कोई कुछ भी कहे, आप कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन कोई किसी ने कुछ ज्यादा ही कह दिया उस दिन आप भी अपनी भड़ास निकाल लो, क्योंकि तो गुस्सा भी जरूरी है नहीं तो ये दुनिया तो मार देगी ना आपको, दबा देगी टोटल। तो उनको ये एहसास कराना बड़ा जरूरी होता है कि भाई साहब जरा अपनी औकात में रहो, ये सामने वाले ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ये भी बड़ा बोल जरूरी है। नहीं वो बट जी लेकिन मजा इसी में आता है, शराफत में और सिंप्लिसिटी, मजा उसी में है, उसमें एंजॉय करते हो आप लाइफ। एक आप लाइफ एंजॉय करते हो, आप कहते हो मैं यूरोप गया, मैं ये गया, मैं वर्ल्ड गया, मैंने वो गया, मैंने इंडिया का क्या नहीं देखा, यू नेम, आई हैव सीन एवरीथिंग। एक वो होता है जिसे कहती हैं कि आप फिजिकली वहां गए और आपने एंजॉय किया, और एक ये होता है जहां आप ऐसे एंजॉय करते हो। ठीक है यार, थोड़ी फकीरी होनी चाहिए बॉडी में, अंदर ना थोड़ा फकीर होते हैं ना जैसे, वो जी होना चाहिए, मस्ती मस्त होनी चाहिए। हाँ, तो अगर वो नहीं है देन यू मिस लॉट मैनी थिंग्स। मौला है। यू शुड एंजॉय, यू शुड नो टू एंजॉय विथ योर सेल्फ ऑल्सो एक्चुअली। एग्जैक्टली, योर सेल्फ हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू लुक इनसाइड, यू डोंट हैव टू लुक आउटसाइड। इफ यू लुक आउटसाइड यू एंटर इनटू कंपैरिजंस, इफ यू लुक इनसाइड यू ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ एंड यू बिकम मोर हैप्पी। बहुत अच्छी बात बाकी सर। मैं ठीक आपसे जी अंजलि? जी बोलिए हाँ ना जी, सर। नहीं मैंने कहा बताइए, और तो कुछ नहीं, और बस यही है मेरे पास। बहुत अच्छा आपने हमारे साथ शेयर किया। आई एम वेरी थैंकफुल, और मैं आप मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच अंजलि, गॉड ब्लेस यू, गॉड थैंक यू, ब्लेस थैंक यू सो मच यू, थैंक यू, थैंक। सुशील जी। आपसे बातें करने के बाद मैं ये दो लाइनें जरूर आपके बारे में कहना चाहूंगी। लड़खड़ा रहे हैं संभल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं संभल रहे हैं, तजुर्बे हैं जनाब हो रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से आपने, आपको मैंने देखकर ये जाना है कि आप एकदम मस्त मौला हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में जो रहेगा एकदम मस्त हो जाएगा। और सही में ये जो आज हमारा एपिसोड रहा है बहुत ही हमें अच्छा लगा है, और आपने जो हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम श्योर ऑडियंस आप लोग भी ये जरूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैं तो करने वाली हूँ। मैं भी लिखने वाली हूँ कल से एक डायरी, जहाँ मैं रोज रात को जरूर ये लिखूंगी कि सारा दिन क्या हुआ। मतलब होता ना कि कहीं ना कहीं इससे हमें भी एक पता चलेगा कि हम किस मकाम पर पहुंचे हैं। और बहुत बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, यार मैंने लाइफ में क्या किया है, लेकिन जब हम लिखेंगे, हम रोज पढ़ेंगे, तो हमें लगेगा यार लाइफ में हमने किया है, और हम अपना मकाम, जो मंजिल हमारी है, वो जरूर हासिल करेंगे। इससे हमारे पैशन को भी बहुत ही एनर्जी मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जाती हूँ मैं, और फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है।